महामारी कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। यूरोप में इटली के बाद ब्रिटेन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का केंद्र बनते जा रहा है। शनिवार को ब्रिटेन में 708 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 5 साल का बच्चा भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देशवासियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बाहर निकलते समय मास्क लगाने की सलाह दी और लोगों को हाथों को साफ रखने के तरीके भी अपनाने को कहा। हालांकि ट्रंप ने खुद मास्क पहनने से इनकार किया और कहा कि मैं खुद इसे नहीं पहनना चाहता। रूस में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। यहां अब तक 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4700 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राजधानी मॉस्को सहित देश के कई इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लोगों को घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना वायरस को बड़ी चुनौती बताया है। पीएम मॉरिसन ने अपील करते हुए कहा है कि WHO इस महामारी पर ध्यान केंद्रित करे। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 5,300 से अधिक मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज का दौर चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि 5G रेडिएशन के चलते कोरोना फैल रहा है। हालांकि सरकार इस बारे में सफाई जारी कर चुकी है कि 5G का COVID-19 से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल माइकल एटकिंसन को उनके पद से हटा दिया है। एटकिंसन ने ही पहली बार विसल ब्लोअर शिकायत के बारे में जानकारी दी थी और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का केस चला। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नए अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का निर्माण सिर्फ 9 दिनों में कराया गया। इस मौके पर प्रिंस चार्ल्स ने भावुक होकर कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण कोरिया ने सियोल ओलंपिक स्टेडियम को स्क्रीनिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। यहां पर एक दिन में 1,000 लोगों की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। हॉलीवुड अभिनेत्री शेरॉन स्टोन ने कोरोना संकट के दौरान रेडक्रॉस सोसाइटी में काम करने वालों के लोगों की तारीफ की है। एक वीडियो संदेश जारी कर शेरॉन ने कहा है कि ऐसे मौके पर काम करने वाले वीरों को मेरा सलाम।